सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले राम मंदिर को लेकर पश्चिम एसपी अपर कलेक्टर द्वारा जिले में औचक निरीक्षण किया गया। अयोध्या के बड़े और बहुप्रतीक्षित फैसले से पहले सामाजिक सद्भावना की कवायद पूरे देश में जोर पकड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां व असामाजिक तत्वों द्वारा देश की शांति भंग ना हो, इसके लिए शासन व पुलिस गांवों तक अलर्ट हो गई है। इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जिले के बेटमा थाना परिसर में एक बैठक रखी गई, जिसमें पश्चिम एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी, अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन, एडिशनल एसपी धर्मराज मीणा, देपालपुर एसडीओपी राजकुमार राय, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी व थाना प्रभारी डीपीएस चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने अयोध्या फैसले और आगामी त्यौहार ईद ए मिलाद की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि उक्त तैयारियों को लेकर तहसील के थानों पर बैठकों का दौर जारी है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। से जो आगामी समय में आने वाले त्यौहार हैं, मिलादुन्नबी है, प्रकाश पर्व है गुरु नानक साहब का, इसके संदर्भ में और निकट भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आना संभावित है, उसको लेकर भी ये बैठक थी। इसमें हम लोगों से चर्चा और उनके सुझावों पर बात हुई है, और आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह का वातावरण ना बने, इसके लिए भी हमने आम जनता से सहयोग चाहा है और इस बात के लिए सुनिश्चित भी किया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सख्ती से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ये बैठक ली जा रही है और लगभग जिले के सभी कस्बे थाना क्षेत्रों में जाकर इस बात के बारे में संवाद किया जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों से, प्रबुद्ध जनों से, कि निर्णय के बाद हमें जो है वो शांति बनाए रखना है, अपने कस्बे का अमन चैन और सौहार्द बना के रखना है। ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी तरीके से शहर की शांति में बाधक हैं, कस्बे की शांति में बाधक हैं, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाकर और उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा रही है और किसी भी कीमत पर शहर का अमन चैन जो है, कस्बे का अमन चैन बना कर रखा जाएगा। इसी संबंध में ये बैठक ली गई थी। केवल हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया का एक बहुत बड़ा विवाद है और वो पूरी तरह से हमारी न्यायपालिका ने उसे निपटा दिया है और अयोध्या विवाद जो निपट चुका है और जो भी फैसला न्यायालय का आएगा वो सारी जनता को मान्य होगा, सभी संप्रदाय के लोगों को मान्य होगा। और इसके अलावा किसी ने इसका विरोध किया या कोई पत्ता भी खड़का तो प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं, जनता भी नहीं छोड़ेगी और हम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले लोग, हम भी ऐसे अनावश्यक तत्वों को छोड़ेंगे नहीं, हम हमारी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, प्रशासन बाद में नहीं छोड़ेगा। शांति व्यवस्था पूरी तरह से किसी भी कीमत पर कायम होना चाहिए और बेटमा इसका उदाहरण रहा है। शांति व्यवस्था के साथ सारे त्यौहार आने वाले भी मनेंगे और राम मंदिर का मुद्दा जो सुलझा है उसमें भी किसी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम ये विश्वास दिलाते हैं और जनता से भी ये वादा करते हैं कि वे भी अपने अपने नगर में, गांव में इस शक्ति के साथ इस फैसले को पूरी तरह से मान्य करें और किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं करें। वार्डन बेटमा थाने से और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी टीम में 28 लड़के कैंडिडेट हैं, उसमें से 6-7 लड़कियाँ हैं। जब भी यहाँ कोई ऐसे प्रोग्राम बेटमा क्षेत्र में होते हैं उस समय हमारी पूरी टीम यहाँ अपना सहयोग देती है और अपना सौहार्दपूर्ण सभी को सहयोग करती है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।